कांग्रेस पार्टी के भूनगिर के में पार्लियामेंट किरण कुमार चामला ने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने के पर झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि के टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हुकूमत खो जाने की वजह से वो काफ़ी बेचैन है इसीलिए वो हर रोज़ तेलंगाना के आवाम को कंफ्यूज करने के लिए वजीर रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं के टी आर साहब के टी आर साहब ने उनके नामकरण चेंज किया हमने उनको हम जोसफ गोबल्स के नाम पर पुकारा जाएगा आज से क्योंकि हमारा के टी आर साहब दस साल सत्ता में है और अमेरिका से आके सीधा एम एल ए बन गया उसको समझ में नहीं आता ग्रास रूट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है आम आदमी का क्या इश्यूज़ रहता है क्योंकि वो सोचा जिंदगी भर मंत्री रहेगा मुख्यमंत्री बनेगा बाप के बाद लेकिन सडनली पीपल जो पब्लिक उसको ये जो इलेक्शंस में उनके पार्टी को और उसको हटाया गया था वो तो पाँच छः महीने हुआ कांग्रेस सत्ता में आके रोज़ सुबह लेके उनको एक ही चीज़ याद आता है कैसा कांग्रेस को डिफेम करना है पब्लिक के बीच में और आज बोल रहे मैं बाकी स्टेट में जाके बाकी प्रदेशों में जो डीएमके है वो जो टीएमसी है जो चंद्रबाबू नायडू का पार्टी टीडीपी है ऐसे ऐसे पार्टीज़ के पास जाके 20-25 साल 30 साल के ऊपर ये लोग कैसे राजनीति कर रहे रीजनल पार्टीज तो उनका जो प्रोसेस और इनके जो सिस्टम क्या है समझने की कोशिश कर रहे बोल के भाई वो समझने की जरूरत नहीं है पहले के बुद्धि को बदलना है आप सिर्फ कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना है आप हर बार ये गोबल्स और ये दुष्प्रचार कर रहे इसकी बंद करके पब्लिक के बारे में सोचो हमारे जो गारंटीज़ है वो पब्लिक में जा रहे तो वो कहीं तकलीफ है तो आपको बताओ हमारे को अब ग्रास रूट में जाके काम करने के जगह आप हर बार चार दीवारों के बीच में प्रेस मीट लगा के गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी जी के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे ये पब्लिक देख रहे आपको आपको फिर सत्ता में आना है आपके पास अच्छे एम एल वो एम को भी रोक नहीं पा रहे हर दिन आपके ऊपर चर्चा हो रही एक दिन जा रहे बीजेपी में जा रहे बोल के वहाँ न्यूज़ आता है इधर से आ रहे कांग्रेस में जा रहे न्यूज़ आता है अब पहले आपके जो स्टेटस है वो टिका के रखो